नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। बिहार के नरकटियागंज प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय उर्दू चांकी के बच्चों के थाली से भोजन गायब है। भोजन के मेन्यू को अनदेखा कर घटिया भोजन के साथ थाली से भोजन ही गायब हो जा रहा है। रविवार को विद्यालय में मध्याह्न भोजन न बनने से छात्रों में रोष भी व्याप्त है। लोगों की माने तो इस विद्यालय में कभी खाना बनता भी है तो मेनू के हिसाब से नहीं बनता है। वहीं रविवार को खाना नहीं बनने से छात्रों को भूखे रहना पड़ रहा है। भोजन नहीं बनने के संबंध में छात्रों ने बताया कि विद्यालय में इस माह में बच्चों को अंडा भी नहीं दिया जा रहा है। जबकि सहायक शिक्षक राजेंद्र साह ने बताया कि विद्यालय में भोजन नहीं बना है। वहीं प्रधानाध्यापक रेजा हुसैन ने बताया कि गैस नहीं रहने से भोजन नहीं बनाया गया। नियमानुसार किसी परिस्थिति में खाना नहीं बनती है तो विभागीय अधिकारी को सूचना दी जाती है। एमडीएम प्रभारी सूर्यनारायण पासवान ने बताया कि किसी भी परिस्थिति में मध्याह्न भोजन बनाना है, अगर नहीं बना है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट। क्यों नहीं बना है? हेडमास्टर से नहीं पूछे आप? पूछे तो पा रहे थे कि दुकान में नहीं। दुकान में नहीं। क्या नहीं है? अंडा नहीं। आज अंडा बनता है। क्या नाम है आपका? अबुल। कौन क्लास में पढ़ते हैं? एट क्लास। आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? सात। क्या नाम है? रहमान। खाना क्यों पता है आपको? नो, हमको पता नहीं है। हेडमास्टर साहब जवाब देंगे। आज बच्चा सब नहीं खाया ऐसा बता रहा है। एमडीएम बना था? नहीं बना है। नहीं बना है। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेंद्र साह। किस स्कूल में पढ़ाते हैं? मध्य विद्यालय चांची पिपरा उर्दू है जी। आज नहीं बना है, कुछ अन्य कारण था। क्या कारण था सर? गैस नहीं था, अंडा भी नहीं आया पाया। विभाग को सूचना दिए थे सर? नहीं, विभाग को तो सूचना नहीं दिए थे। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रेजा हुसैन।